हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज इन अ लाइन स्टिच सो दैट नो टू नेगेटिव साइंस अकर टुगेदर इज. सो द की कॉन्सेप्ट इज परमुटेशन, दैट इज एन पी आर, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. सो क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस कितने हैं? 6. ठीक है. एंड अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, सो ये कितने हैं हमारे पास? 4. फाइन. ओके. सो देखो, 6 पॉजिटिव साइंस कैन बी अरेंज्ड इन ए रो. ठीक है. एंड ये कैसे अरेंज हो सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो ये हमारा जाता है 1 वे. सिंस हमें पता है सारे पॉजिटिव साइंस क्या आइडेंटिकल है. फाइन. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7 प्लेसेस इन विच 4 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड. ठीक है. इन 7 P 4 वेज. ठीक है. बट नो दैट ऑल द फोर नेगेटिव साइंस आर आइडेंटिकल. सो देयरफॉर अगर हम बात करते हैं 4 नेगेटिव साइंस की, कैन बी अरेंज्ड इन 7 P 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सो दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सो दिस कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. फाइन. सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना है हमारा 4 फैक्टोरियल. एंड 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होता है. 3 2 6 से 6 कैंसिल हो जाता है. एंड 7 5 इज 35. ओके. सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं हमारे? 35. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ